इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाहो बर्बाद हो जाते हैं। बिबरवा जी फरमाया करते मन और मन मते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फला इंसान मन के कहने चलता है, फला आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग उनकी सोहबत कभी ना करो, क्योंकि बेपरवाह जी कहते परछाई से भी दूर रहो। एक साधक एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती हैं, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।